आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी होना है। पीएम के रोड शो के लिए सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी के रोड शो को देखने के लिए भी जापान और ऑस्ट्रेलिया से राजनीतिक विश्लेषक तक यहां पर आए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिज्ञों का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी उनके देश में भी काफी पॉपुलर हैं। विदेशी राजनीतिज्ञों से बातचीत की हमारे सहयोगी विनीत कुमार ने। थोड़ी देर बाद और यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा को देखने के लिए कई विदेशी मेहमान भी आए हुए हैं, विदेशी राजनीतिक भी आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, यहां पर आप आए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो राजनीतिक कैंपेन है, पॉलिटिकल कैंपेन को देखने के लिए, किस तरह का अनुभव आप लेना चाहते हैं? हमें आशा है कि बहुत अच्छा अनुभव होगा। हम मध्य प्रदेश आए हैं क्योंकि हम एक चुनाव देखना चाहते हैं और हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत बहुत बड़े आंदोलन आ रहा है और हमें आशा है कि शायद हम प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलेंगे। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहेंगे? जिस तरह से उनका व्यक्तित्व तो है, जिस तरह का उनकी न सिर्फ देश में बल्कि कई विदेशों में भी उनकी पॉपुलैरिटी है, कैसे इसको आप देखते हैं? वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत बहुत लोकप्रिय आदमी है आजकल और वो ऑस्ट्रेलिया शायद मई में आए थे और हाँ, बहुत अच्छा था हमारे लिए, बहुत अच्छा अनुभव ऑस्ट्रेलिया के लिए था। ठीक है, हम और भी राजनीतिज्ञों से बात करेंगे और एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो राजनीतिज्ञ हैं वो बहुत बेहतर हिंदी बात करते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी मैम, एक बहुत धन्यवाद कि आप हिंदी में बात करती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का जिस तरह से कैंपेन होगा उसे आप देखने आई हुई हैं, क्या कुछ सीखेंगी मैम? हाँ, मैं आज पहली बार वो इंदौर भी आई हूँ और पहली बार वो जो बीजेपी के कैंपेन भी देखने जा रही हूँ, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो अच्छी तरह से वो कैसे वो बीजेपी वो कैंपेन करते हैं और जो क्यों कैंडिडेट्स है कैसे जो रैली करते हैं वो देखना चाहती हूँ अच्छी तरह से। मैम, आप यहाँ अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की बात करें तो कैसे देखती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो वो जापान के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री है और जापान और भारत बहुत अच्छा संबंध रख रहे हैं, तो मैं चाहते हैं कि वो जो बहुत अच्छा संबंध है वो भविष्य में भी ऐसा रहेगा। बहुत धन्यवाद। तो सर, यू जस्ट केम टू वॉच द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इलेक्शन कैंपेन ट्रेल, हाउ डू यू सी इट? माय नेम इज बाज़िल माइक कलेक्टर फ्रॉम तंजानिया हाई कमीशन। For sure, as we know, India and Tanzania has good relationship in all aspects, economically, socially, politically. And as you can remember, last October, our President Samia Suluhu Hassan came for the visit in India. So our expectation is to learn how BJP conducts their campaigns and elections so that we can also share the same relationship in our country. ठीक है, थैंक यू। तो अभी यहाँ पर कई लोग आए हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो बीजेपी के कैंपेन ट्रेल को देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि विदेशों में भी, उनके देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉपुलर है और किस क्यों ये पॉपुलर है इसके बारे में वो जानेंगे। कैंपेन विपिन के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 इंदौर। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, चल लौटते हैं।